नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको चुरू जिले के खूबसूरत कस्बे छपर का नज़ारा दिखा रहा हूं, जहां पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज हो रहा है। आप पीछे देख रहे हैं, आधार सुपरमार्केट का उद्घाटन आज छपर में हो रहा है, जो कि बिग बाज़ार की यूनिट है। महानगरों में बिग बाज़ार के माध्यम से लोगों को कम रेट पर हर चीज़ छूट पर उपलब्ध कराई जाती है, और छोटे कस्बों में आधार मार्केट के नाम से ये कंपनी अपना माल बेचती है। सबसे बड़ी चीज़ है, प्रत्येक चीज़ ओरिजिनल होती है, बिल्कुल विशुद्ध कंपनी की जहाँ प्रोडक्ट है वहाँ से निकलती है, और आपको प्रत्येक चीज़ 2% से लेकर 50% की छूट पर दी जाती है, जबकि ये चीज़ें किसी भी दुकान में छूट पर नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, ओरिजिनल चीज़ होती है। आइए छापर में अशोक सर्किल के पास आयोजित आधार सुपरमार्केट के उद्घाटन समारोह का अवलोकन करते हैं। मैं आपको छापर के आधार मार्केट में लिए चल रहा हूँ। जितनी खूबसूरत यहाँ पर डेकोरेशन की गई है, सजावट की गई है, उतनी खूबसूरत आपको यहाँ पर चीज़ें भी मिल रही होने वाली हैं, ओरिजिनल मिलने वाली है और बहुत छूट के साथ मिलने वाली है। छापर जैसे कस्बे में इस तरह के प्रतिष्ठान का उद्घाटन होना प्रत्येक छापरवासी के लिए गौरव की बात है। और खास बात यह कि अगले वर्ष यहाँ पर चातुर्मासा होने वाला है, देश का बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। ऐसे में आधार सुपरमार्केट बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी वरदान साबित होगा। आइए अब आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, कितनी छूट के साथ उपलब्ध हैं, और साथ में उद्घाटन समारोह का भी अवलोकन करेंगे। भव्य सजावट आप देख रहे हैं आधार सुपरमार्केट छापर की, जिसका उद्घाटन हो रहा है। वाह, ये नज़ारा देखते ही बन रहा है। चुरू जिले के एक छोटे से कस्बे छापर में आधार सुपरमार्केट का उद्घाटन आज हो रहा है। आधार सुपरमार्केट के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिप्रसाद जी जोशी सहपत्नी का यहाँ पर पूजन में बैठे हैं। निश्चित रूप से छापर के लिए बहुत बड़ा अवसर है जब बिग बाज़ार की एक यूनिट छापर में खुल रही है आधार सुपरमार्केट के रूप में। और उद्घाटन से पहले यहाँ पर पंडित नारायण प्रसाद जी बोराड़ा पूजन करवा रहे हैं। पूरा जोशी परिवार आप देख रहे हैं उद्घाटन के अवसर पर। परिवार के लिए नहीं, छापर के लिए गौरव की बात है आधार सुपरमार्केट का छापर में खुलना। और आप देख रहे हैं कस्बे के अनेक गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इस मार्केट की सबसे बड़ी खासियत होती है कि प्रत्येक चीज़ ओरिजिनल मिलती है और भारी छूट के साथ मिलती है। वरना हम कोई भी किराना सामान लेने जाते हैं तो किसी प्रकार की छूट नहीं होती है और ओरिजिनलिटी की गारंटी नहीं होती है, लेकिन आधार सुपरमार्केट सीधी फैक्ट्रियों से ये सब चीज़ें लेता है और बड़ी छूट के साथ आप सबको उपलब्ध करवाता है, जिसका उद्घाटन हो रहा है। हरिप्रसाद जी, जो कि टेंट व्यवसाय से जुड़े रहे हैं, उन्होंने निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा कार्य छापर के लिए किया है। जो भारतीय नई व्यापार की पद्धति है, उसमें प्रत्येक चीज़ एक छत के नीचे उपलब्ध करवाई जाती है। ये परंपरा इसी दशक में शुरू हुई है, लेकिन ऐसी बड़ी कंपनियां मार्केट में आई हैं जिन्होंने बाज़ार में जो नकली चीज़ें उपलब्ध हो रही थी उनकी खतरे को कम कर दिया है। उसमें बिग बाज़ार बहुत बड़ा नाम है जो बड़े बड़े महानगरों में खोलता है और प्रत्येक चीज़ एक छत के नीचे उपलब्ध होती है। आधार सुपरमार्केट भी बिग बाज़ार की यूनिट है जो छोटे कस्बों में खोली जाती है, और यहाँ पर चीज़ों को इस तरह से सजाया जाता है कि आपको ये देखना नहीं पड़ता कि घर से हम क्या लिस्ट बना के ले आए, हमें क्या खरीदना है। सुबह जो चीज़ें शुरू होती है, सुबह से जैसे टूथपेस्ट चाहिए, नहाने के बाद साबुन चाहिए, उसके बाद में चाय कॉफ़ी चाहिए, उस आधार से इस आधार सुपरमार्केट में चीज़ों को सजाया जाता है। आप देखिए यहाँ पर जिसमें गैलरी में खड़ा हूँ, यहाँ पर ये सब खाने पीने की चीज़ें हैं। प्रत्येक चीज़ आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेगी, हर चीज़ घर में प्रयोग करने वाली प्रत्येक चीज़ आपको एक छत के नीचे उपलब्ध रहेगी। आप केवल एक बैग लेकर यहाँ पर आ जाइए और आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि घर वालों ने क्या बताया, आपको अपने आप याद आएगा, क्यों आपके आंखों के सामने हर चीज़ रहेगी। और बड़ी चीज़ यह है कि ये जो चीज़ें बड़ी ब्रांडेड चीज़ें हैं, सारी जो चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होती है वो देश की ब्रांडेड कंपनियों की चीज़ें होती है और ये सीधी फैक्ट्रियों से खरीदी जाती है, इसलिए हर चीज़ में 2% लेकर 40-50% की छूट मिलती है। वरना हम किराना की किसी दुकान पर जलें आपको 1% की भी छूट नहीं मिलेगी। और ये मौका हरिप्रसाद जी जोशी ने छापर को उपलब्ध कराया, जो कि पहले टेंट मार्केट से जुड़े थे। उन्होंने अशोक सर्किल के सामने की गली में ये बिग बाज़ार खोला है, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। ये देखिए, सुबह की शुरुआत जब इंसान की होती है तो उठते ही मंजन करता है, दंतन करता है, उसके बाद स्नान करे तो साबुन की आवश्यकता पड़ती है, तेल की आवश्यकता पड़ती है। ये चीज़ें सारी क्रम से जचाई जाती है, सजाई जाती है, ताकि आप जब मार्केट में आएँ तो आपको तुरंत ये चीज़ें सामने दिख जाएँ।
और कोई चीज़ आप भूले नहीं कि ये घर से ऑर्डर हुआ था और हम लेके नहीं गए, घरवाली आपको डांटेगी नहीं कि ये चीज़ आप क्यों भूल गए, क्योंकि ये सब चीज़ें आंखों के सामने हैं और 50% तक की छूट भी मिल रही है, तो घरवाली वैसे भी और ज़्यादा खुश हो जाएगी। और इस मार्केट के खुलने से छापर में निश्चित रूप से खुशी की लहर देखने को मिल रही है, हर चेहरे पर अलग खुशी नज़र आ रही है। ये देखिए उद्घाटन से पहले सभी देखने में लगे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, और मैं कहूँगा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो घर में उपयोग होने वाली हो और वो आधार मार्केट में आपको नहीं मिले। रसोई में प्रयोग होने वाली चीज़ें ही नहीं, रसोई में प्रयोग होने वाली बहुत सारी उपयोगी अन्य चीज़ें भी मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैकिंग चीज़ को नहीं खरीदते हैं, उनका मानना होता है कि पैकिंग चीज़ में कल को कोई चीज़ ख़राब ही निकल सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आजकल प्रत्येक चीज़ सफाई की भी मिलती है। मुझे याद है हम बचपन में जब हमारे घर वाले गेहूँ बाजरी जैसी चीज़ें लाते थे तो 10 दिन तक महिलाओं को उनको साफ़ करने में लग जाता था, लेकिन अब सारी ऐसी पैकिंग चीज़ आती है जिनको आपको छानने की या साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप आटा पिसवा सकते हैं या आप तो पैकिंग आटे ही मिलने लगे हैं। लेकिन ये भी है कि लोग देख कर लेना चाहते हैं, जैसे पहले का ज़माना था तो अगर चीनी खरीदने जाते थे तो पूछते थे कि क्या दानेदार है क्या चीनी, ऐसे वो एक औजार से बोरी के अंदर डालकर चीनी निकाल के आपको दिखाता था। ये समस्या यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर प्रत्येक चीज़ खुली लगाई गई है, आप आराम से ये चाहे चीनी हो, चाहे चावल हो, चाहे दालें हो, चाहे अनाज कोई भी हो, हर चीज़ को आप यहाँ पर खुली भी देख सकते हैं। और ये सारा जो इतना ये रैक लगाए गए हैं उसमें सारी खुली चीज़ें, यानी पैकिंग के साथ साथ आपको खुली चीज़ें भी देखने को मिल रही है, ताकि आप आराम से संतुष्टि प्राप्त करके इनको खरीद सकें। ये सब आधार मार्केट आपको उपलब्ध करवा रहा है। मैं आपको छापर कस्बे का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आज हरिप्रसाद जी जोशी के द्वारा ये आधार सुपरमार्केट खोला गया, जिसका उद्घाटन हो रहा है। ये दृश्य हर छापरवासी देखना चाहता था, एक छोटे से कस्बे में आधार सुपरमार्केट का खुलना बहुत बड़ी खबर है ये, और मैं तो कहूँगा कि नकली चीज़ों से छुटकारा मिलेगा छापरवासियों को, क्योंकि ऐसी जो कंपनियाँ होती है ये बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें उपलब्ध करवाती है और सीधी फैक्ट्रियों से खरीदती है, इसलिए उसमें छूट भी मिलती है। उद्घाटन के अवसर पर अनेक गणमान्य लोग उपस्थित हैं, कवि भाऊक जी भी आप देख रहे हैं। सानिध्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ताः विशम्भूदये कुबेराय नमः। कुबेर जी का पूजन किया गया है, कुबेर जी वाली मूर्ति ले आओ। महिलाओं के लिए खासतौर से आधार सुपरमार्केट एक वरदान है, जहाँ हर चीज़ एक छत के नीचे उपलब्ध है। कुबेर जी का पूजन हो रहा है, मशीन का ज़माना है, यंत्र पूजन हो रहा है, यानी कंप्यूटर का पूजन हो रहा है। पहले बही खातों का पूजन होता था, अब बही खातों की जगह इन कंप्यूटर ने ले ली है, और आधार सुपरमार्केट का सारा कार्य कंप्यूटर से ही होता है। छापर के आधार सुपरमार्केट का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। टेंट व्यवसाय से जुड़े हरिप्रसाद जी जोशी के द्वारा आधार सुपरमार्केट इस छापर के अशोक स्तंभ के सामने की गली में खोला गया है। एक बड़ी अच्छी पद्धति है, इसमें जब आप प्रवेश करते हैं, अगर आपको 50 तरह की चीज़ें चाहिए घर में काम आने वाली, एक छत के नीचे मिल जाएगी। आप एक ट्रॉली ले लीजिए और इस गली में घुस जाइए और जो चीज़ आपको चाहिए उठाइए, ट्रॉली में डाल लीजिए। जैसे देखिए मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर एक महिला ग्राहक है और प्रसिद्ध नाम है डॉक्टर सुनीता राजेश सोनी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है हमारे क्षेत्र की और फिजियोथेरेपिस्ट हैं।
एक्यूप्रेशर चिकित्सक है, वो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जिस पद्धति से मैं बता रहा था उसी पद्धति से खरीदारी कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूँगा कि कितना अच्छा लग रहा है छापर जैसे कस्बे में इस तरह के आधार मार्केट का खुलना। नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारे छापर की विशेष जरूरत थी ये जी। हम लोगों को सुजानगढ़ जाना पड़ा था। नीचे के लिए आप आराम से बोल पाए जी। नहीं, छापर की विशेष जरूरत थी ये जी, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे छापर की विशेष जरूरत के हिसाब से हम लोग को सुजानगढ़ या कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। नहीं, जयपुर का सोचते थे, वहीं से एक साथ सामान लेके आएंगे, अब यहीं लेने पड़ेगा। हाँ, आप बाहर जाती है खरीदारी करती है तो आपके मन में कहीं ना कहीं था कि छापर में कहाँ से ऐसा हो जाए, छापर में ऐसा हो जाए, ये छापर में होके हम लोग को सबको फायदा है, ये फायदा है। अच्छा, और आपको क्या खास लगता है यहाँ का? ये चीज़ें तो एक ही छत पे सारी चीज़ें मिल जाती है और उसमें कोई देखना भी नहीं पड़ता कि भी क्या रेट है क्या नहीं है। विश्वास होता है एक कि भी हाँ सारी वेरायटी एक ही पास मिलेगी, उसके अंदर कोई अपने साथ ना ये भी नहीं हो सकती कि चीटिंग हो सकती है या कम रेट हो सकती है, माल हल्का हो सकता है, कुछ भी इस तरह की टेंशन नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज़, महिलाओं को हर चीज़ में छूट चाहिए, वो मिल रही है यहाँ पर। हाँ, ये भी सबसे बड़ी बात है। मैं छूट के लिए तो नहीं आई, लेकिन मुझे लगा कि हाँ मुझे जो सामान की जरूरत थी, कल सोच रही थी सीकर जाके लाना, मैंने कहा आज यहीं से लेके आ जाऊँ। बिल्कुल सही कह रही है, छूट की नहीं सोच रही है, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन फिर भी देखने में आता है कि छूट के नाम से जो चीज़ें बेची जाती है उसमें महिलाओं की रुचि ज़्यादा होती है। और डॉक्टर साहब ने यहाँ से खरीदारी की है और प्रत्येक महिला के लिए ये अवसर आधार सुपरमार्केट में आकर अपनी पसंद की प्रत्येक चीज़ देख परख कर स्टोली में डालकर ले जाना और काउंटर पर जाकर कंप्यूटर के माध्यम से जो छूट है अपने आप वो छूट से कट कर आपसे पैसे ले लिए जाएंगे। और ऑनलाइन डिलीवरी भी आधार सुपरमार्केट के द्वारा की जाती है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी पद्धति है ये, अपनी पसंद की चीज़ें खरीदिए, ट्रॉली में डाल लीजिए और फिर काउंटर पे जाइए, और कहीं कोई दुविधा है तो आप पूछ भी सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। इधर उद्घाटन की औपचारिकताएँ पूरी जा रही है। ओम प्रकाश जी पांड्या पुणे से आए हैं मामा जी हरिप्रसाद जी के उद्घाटन के अवसर पर। सभी का तिलकांचन से स्वागत हो रहा है, डॉक्टर साहब का स्वागत कर रहे हैं, डॉक्टर नीरज जी सक्सेना का स्वागत हो रहा है राजकीय चिकित्सालय में छापर में। आकाश जी जोशी भी पूजन में भाग ले रहे हैं। छापर के तमाम लोग आप देख रहे हैं आपको उपस्थित हैं। आधार सुपरमार्केट पूनम जनरल स्टोर छापर का दृश्य आप देख रहे हैं। महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। बजरंग जी लाडनू से पधारे हैं, हरिप्रसाद जी की साले जी हैं, अपनी बहन का सम्मान करने के लिए पहुंचे हैं। परंपराएं होती है मांगलिक अवसर पर भाई अपनी बहन को साड़ी उड़ाता है, चुनरी उड़ाता है, और बजरंग जी ये कार्य कर रहे हैं। ये देखिए बहन को साड़ी उड़ाई जा रही है। जंगला जी जो कि लाडनू से पधारे हैं, अपने बहनों जी का सम्मान कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं इस मांगलिक अवसर पर। और हरिप्रसाद जी की माता जी भी, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद से ऐसे अवसर आते हैं जीवन में, और माँ से बड़ी प्रसन्नता और किसी को नहीं होती है जब पुत्र इतना अच्छा कार्य करता है। हरिप्रसाद जी के भाई भी सम्मान करें अपने बड़े भाई का। हरिप्रसाद जी सहपत्नी का अपनी माँ का आशीर्वाद दे रहे हैं, और माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता है। जो माता पिता का सम्मान करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, वही प्रगति करते हैं। देखिए उपहार भी दिए जा रहे हैं परिजनों के द्वारा, परिवार के लिए बहुत बड़ा अवसर है आज। मामा जी से आशीर्वाद ले रहे हैं हरिप्रसाद जी, जीजा जी से आशीर्वाद लिए जा रहे हैं। इतनी मेहनत करी हो तो अपनी को कवरेज तो फायदा भी मिले। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है, उद्घाटन से पहले ही बिक्री शुरू हो चुकी है। पूरी तरह से वातानुकूलित है, एयर कंडीशन है ये आधार सुपरमार्केट। खुशी के पल आप देख रहे हैं परिवार के लिए, सभी में उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर, इसको उद्घाटन को लेकर। छापर के आधार सुपरमार्केट का उद्घाटन होने वाला है। एक छत के नीचे हर चीज़ भारी छूट के साथ उपलब्ध है। जिस घड़ी का सब इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी आ चुकी है। छापर के
आधार सुपरमार्केट का उद्घाटन फीता काटकर किया जा रहा है। हरिप्रसाद जी के जज्बे को मैं नमन करता हूँ। लोग बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं उद्घाटन के लिए, वो अपनी माँ के करकमलों से अपने इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन करवा रहे हैं। और आप देखें, माँ फीता काटकर आधार सुपरमार्केट छापर का उद्घाटन कर रही है, फीता काटा जा रहा है और इसी के साथ तालियां बजती हुई। और सबसे पहले माँ के ही चरण दुकान में पड़े हैं और सभी प्रवेश करते हुए हरिप्रसाद जी भी सपत्नीक प्रवेश करते हुए कार्यक्रम का सबसे सुंदर दृश्य मैं इसको कहूँगा, जब माँ काउंटर पर बैठी है अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। आप देख रहे हैं भावुक हो रहे हैं हरिप्रसाद जी, क्योंकि जीवन का सबसे खूबसूरत पल है माँ के आशीर्वाद से सब कुछ होता है। और मैं नमन करता हूँ उस व्यक्ति के जज्बे को जिन्होंने माँ को इतना बड़ा सम्मान दिया है, क्योंकि माँ के आशीर्वाद के बिना जीवन में कुछ नहीं मिलता है। और यह बात जो समझ जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। सभी भावुक हो रहे हैं आप देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर कुछ चीज़ें हम मिस भी करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से छापर के लिए बहुत बड़ा मौका है आज। और मैं जोशी परिवार को बधाई देता हूँ। खरीदारी का ये सिलसिला हमेशा चलने वाला है। बच्चे बहुत ही खुश हैं, क्योंकि सब टॉफ़ी बिस्किट सब कुछ यहाँ मिल रहा है। आधार सुपरमार्केट के खुलने से छापर कस्बा तो खुश है, लेकिन सबसे ज़्यादा परिजन खुश हैं, परिवार के बच्चे खुश हैं, क्योंकि हर चीज़ें यहाँ पर अब भी नलियाल में या घर में जाकर नहीं खरीदनी पड़ेगी, यहाँ से ली जा सकती है। और ये देखिए सब के चेहरे पर कितनी खुशी नज़र आ रही है। क्या नाम आपका? चेतना पारिक। हाँ चेतना, कितना अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा प्रतिष्ठान आपके परिवार जनों ने खोला है। बहुत अच्छा लग रहा है, अब जो भी सामान चाहिएगा हम यहीं से ले लेंगे। बिल्कुल। अभी आप क्या खरीदने वाले हैं? ये बिस्किट्स। बिस्किट टोफियाँ। आप क्या लेंगे यहाँ से? केक। केक, क्या बात है। आपने क्या खरीदा है जी? कुछ नहीं खरीदा, बस खरीदने की तैयारी चल रही हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग भी खरीदेंगे कुछ अभी? क्या खरीदेंगे? ये भी जी, हरिप्रसाद जी की बिटिया। बेटा कितना अच्छा लग रहा है, आपके पापा ने इतना अच्छा प्रतिष्ठान खोला है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं सभी खरीदारी में जुटे हैं। देखिए जमकर खरीदारी हो रही है। और ऐसे मार्केट में एक दुविधा भी रहती है, क्योंकि क्षमता से ज़्यादा खरीदारी हो जाती है जब सब कुछ सामने होता है, तो ये भी विचार होता है कि क्या क्या खरीदा जाए। आधार सुपर मार्केट में बहुत बड़ी छूट रहती है, और फेस्टिवल पर तो स्पेशल ऑफर आते हैं भारी छूट के। देखिए किस कदर भीड़ उमड़ रही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें छूट नहीं है। हर चीज़ में 2% से लेकर 50% तक की छूट है। हरिप्रसाद जी के मित्र चंद्र प्रकाश जी पेरीवाल हैं, वो आधार सुपरमार्केट के बारे में इस उद्घाटन समारोह के बारे में कुछ कहेंगे। मैं सबसे पहले हमारे मित्र हरिप्रसाद जी जोशी को बधाई देता हूँ। हरिप्रसाद जी जोशी जिनका लगभग पिछले 15 वर्षों से छापर में पूनम टेंट हाउस के नाम से प्रतिष्ठान है और बहुत ही शानदार सेवा की है पूरे राजस्थान, पूरे चुरू जिलों में, और उसकी अपार सफलता के बाद अब छापर को एक नई सौगात दी है आधार सुपरमार्केट, जो कि पूनम जनरल स्टोर के नाम से है ये इनका प्रतिष्ठान, और आज इसकी ओपनिंग हुई है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, छापरवासियों से और आसपास के इलाकों के नागरिकों से, कि आप एक बार आए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उच्च क्वालिटी की बहुत ही किफ़ायती दरों में हर प्रकार की वस्तु उपलब्ध है। खाने पीने की चीज़ें हों, नहाने धोने की चीज़ें हों, क्लिनिक की चीज़ें हों, और सब प्रकार के खाद्यान्न हों, यहाँ पर बहुत ही उच्च क्वालिटी पर आपको उपलब्ध है। तो आइए और एक बार यहाँ पर सेवा का मौका दें। हरिप्रसाद जी जोशी ने अपने निवास स्थान रामेश्वरम के बिल्कुल बगल में खोला है ये प्रतिष्ठान। देखिए काउंटर पे कितनी लंबी कतार लगी है, एक बहुत सुंदर नज़ारा है ये। अभी आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। मेरे साथ पूनम जनरल स्टोर आधार सुपरमार्केट के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिप्रसाद जी हैं, साथ में पटवारी जी भी हैं स्वामी जी, जिन्होंने इस सुंदर कार्य की प्रेरणा दी है और परम मित्र हैं हरिप्रसाद जी के। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किस उद्देश्य से आपने इससे मार्केट स्थापना की है, और आपको मैं बधाई देता हूं।
हमारा उद्देश्य था गांव के लोगों को असली चीज कम दामों पे स्कीम सहित मिले जी, और होम डिलीवरी भी करेंगे। बिल्कुल, तो क्या अच्छा प्रवासियों से क्या निवेदन करेंगे? एक बार पता रहो उसके बाद हम होम डिलीवरी करेंगे। बिल्कुल, एक बार पटवारी जी क्या कहेंगे, आपके मित्र ने इतना सुंदर कार्य किया, आपकी काफ़ी प्रेरणा भी रही है जी। इनका जो व्यवहार है ना, इनका व्यवहार व्यापारिक व्यवहार नहीं है, लोगों को सेवा देना, उनको कम कीमत पर सही चीज़ उपलब्ध कराना, ये इनका ध्येय है, और इसी ध्येय के अनुपालना में इन्होंने ये कार्य शुरू किया है, और हम ईश्वर से गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये इस प्रकार इनकी सेवा है वो चलती रहे, लोगों को सही चीज़ें सही एक छत के नीचे और असली चीज़ें मिलती रही। बिल्कुल पटवारी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले टेंट हाउस का काम था, पूनम टेंट हाउस, जिसके माध्यम से बरसों तक छपरवासियों की हर उत्सव में सेवा की, और अब इस सुपरमार्केट के माध्यम से लोगों को ओरिजिनल कम रेट में चीज़ें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। बहुत व्यवहार कुशल है पटवारी जी, बहुत सही कह रहे हैं, छपर के सबसे अच्छे व्यवहार कुशल लोगों में से गिना जाता है प्रसाद जी को, और व्यापार में सफलता की कुंजी यही है कि आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, छल कपट नहीं करें, और असली चीज़ वाजिब दामों में उपलब्ध कराएं, और यही संकल्प किया है हरिप्रसाद जी ने उद्घाटन के अवसर पर। ऐसे सुधगले में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी चंद्र प्रकाश जी परिवार के साथ, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।